देवास पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए हाईवे पर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दरअसल देवास पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हाईवे पर लूट करने वाले गिरोह के सदस्य क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिसके बाद 3 थानों की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 35,000 का इनामी जितेंद्र सिंह सहित अन्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 लाख का मशरूका जब्त किया है, जिसमें बाइक, फ्रीज, वॉशिंग मशीन सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री शामिल है। ये एक ऐसा गिरोह है जो हाईवे पर चलने वाली जो ट्रक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनमें ड्राइवर क्लीनर को ओवरपावर करके या तो उनको बेहोश करके या उनके साथ बल का उपयोग करके लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। 4 सदस्य हैं जिनके लगभग 2 दर्जन अपराधों में शामिल होने के अभी तक इन्होंने पूछताछ में बताया है। हमें उम्मीद है कि और भी अन्य घटनाओं का खुलासा इस गिरोह से होगा। इसमें हम लोग हाईवे पर जो ढाबों पर, दुकानों पर काम करने वाले लोग जो उनको मदद करते थे, उनको भी आरोपी बना रहे हैं। इसमें जो अभी तक मशरूका जब्त किया, लगभग 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। इसमें वो वाहन भी जब्त किए गए हैं जिनके माध्यम से ये घटनाओं को अंजाम दिया।